वहीं छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट को जल्द मांग पूरी किए जाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले लगातार अपनी लंबित मांगों के प्रति लगातार आंदोलनरत महिला कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भी दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ वादा निभाने जैसे नारे लगाकर अपनी मांगों से अवगत कराया। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 4,06,660 आंगनबाड़ी और 5,814 आंगनबाड़ी केंद्र में करीब 1,49,048 आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत है, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिले आदेश को संपादन कर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की तरह काम करना पड़ता है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि काम और महंगाई के अनुपात में महज 3,250 प्रतिमाह सहायिका को और 6,500 कार्यकर्ता को मानदेय केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलता है, जिसमें जिले लायक पारिश्रमिक मानदेय नहीं हो पाता, जिसकी पूर्ति और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया। इस संबंध में नियुक्त इनको छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग दुर्ग जिला में छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ पंजीयन क्रमांक 409 की सारी हमारी जिला की बहनें आज यहाँ पर उपस्थित है। अब आज एक दिन का हम धरना रैली करके कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मांगे है कि मानदेय में वृद्धि किया जाए, हमको जिले लायक पेंशन दिया जाए और हमारी पेंशन ग्रेजुएटी है जो हमको दिया जाए और हमको नर्सरी शिक्षक का भी दर्जा दिया जाए। चुनाव यादव ने हमारे मंत्री जी ने तिवारी यादव घोषणा पत्र जो दिया था उसको आज 3 साल 4 साल हो रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं दिए सिवाय आश्वासन के। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। के लिए धरना प्रदर्शन में हमारी बहनें जो पूरी करता दुर्ग जिला से और परियोजना से आई हुई है, गौतम है, युवा है, दूरगामी है, यहाँ से हमारी बहनें आई हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर बहुत सजग और उतावले हैं और हमारी मांग पूरी होती ही रहेगी और पूरी करवाएंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 महीने का समय हम देंगे और उसके बाद काम रायपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। देखना होगा कि इनकी मांगे कब तक पूर्ण हो पाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।